अगर मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव होने हैं तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सिलसिलाए चुनाव लगातार जारी रहता है। कभी इस प्रदेश में तो कभी उस प्रदेश में लगातार चुनाव चलते रहते हैं। हम मध्य प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में आम चुनाव के बाद अब उपचुनाव होने हैं। आखिर क्या रहेगा मंजर, कौन कौन सी सीटें हुई हैं खाली और किन पर रहेगा कड़ा मुकाबला, आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ सीट खाली हुई हैं, जहां पर एक बार फिर उपचुनाव होने लगभग तय है। मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट और दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सबसे पहले बात की जाएगी एक राज्यसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सीट, जिससे अभी तक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद थे, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और वो गुना से सांसद बनकर सामने आए, जिसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सीट रिक्त हुई है। तो वहीं पे बुधनी, जो बुधनी विधानसभा है, वहां से वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े थे, वहां से जीतकर विधायक बने। चूंकि अब लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, वो सांसद बने और उनकी बुधनी विधानसभा सीट रिक्त हुई है। इसी के साथ ही छिंदवाड़ा जिला, जो कि मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, यहां पर अमरवाड़ा से विधायक ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जिसके चलते ही विधानसभा ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया था, जिसके चलते अब उपचुनाव में एक और विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक रिक्त हुई राज्यसभा सीट की, जहां से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुना से पूर्व सांसद केपी यादव को राज्यसभा सदस्य बनाकर सदन में भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपनी सीट खाली की थी, सिंधिया के चुनाव में पूर्ण मेहनत की थी और मेहनत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि केपी यादव को बड़े स्तर का हम नेता बनाएंगे। केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है, केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी। इसी के साथ ही अगली बारी आती है बुधनी विधानसभा की, जहां से अभी तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक थे। अब आगे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उन्हीं की ये पारंपरिक सीट बनते हुए उन्हीं के बड़े लड़के कार्तिकेय चौहान उस सीट से अपनी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ये तय नहीं है। जो भी निर्णय रहेगा वो संगठन का रहेगा। इसी के साथ तीसरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो वो है अमरवाड़ा। अमरवाड़ा से वर्तमान में विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और अब चूंकि जो अगला उपचुनाव होगा, जिसके बाद कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार कहे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश के ऐसे कई सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो मैं आपको बताऊं कि कई सारे विधायक थे लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे कि बीना से विधायक निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेती हैं। सदस्यता लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करती हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। बिल्कुल इसी तरह से श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से विधायक राम निवास रावत ने भी चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा,
उनका भी अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। चूंकि ये विधायक सबसे पहले इस्तीफा अपनी पार्टी को देंगे, इसी के साथ ही विधानसभा में भी अपनी इस्तीफे की एक प्रति भेजेंगे। जब विधानसभा में उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा तब उनकी सदस्यता भंग होगी, जिसके बाद पुनः उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा इन दोनों ही विधायकों को अपना पद रिक्त करने की किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की गई है, मतलब इनका कार्यकाल लंबा चलने वाला है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा, साल 2023 की बात है, जब खरगोन के वड़वाह विधानसभा से विधायक सचिन बिड़ला ने अपनी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना त्याग पत्र न अपनी पार्टी को भेजा न ही विधानसभा में सौंपा, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कई आरोप लगाए कि अब सचिन बिड़ला भारतीय जनता पार्टी से विधायक है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन विधानसभा का ये कहना था कि मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई इस्तीफा किसी प्रकार की सूचना नहीं आई है, जिसके चलते हम उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। अब चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश से अपने कई सारे विधायकों को लोकसभा के टिकट दिए थे, अगर वो विधायक उन चुनाव को जीत जाते तो यही उपचुनाव की संख्या बढ़कर दोगुनी और तीन गुनी हो जाती। अब देखना यह है कि खाली हुई सीटों पर कौन विराजमान होता है और किसका राज तिलक होना है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।